हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान शॉक टू सी मिस वर्ल्ड इन श्रीनगर, लगी पाकियो को मिर्सी, तो ये तो लगने ही वाला था। इतनी सुंदर, हाँ, इतनी सुंदर, वो भी इंडिया में, वो भी इंडिया में, मतलब अच्छी खासी जली होगी ये वीडियो देखने के बाद, हमें पता चलेगा। लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और शेयर करना भूलना मत, और चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल आइकन को नहीं दबाया है और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए, उससे हमें और मोटिवेशन मिलते हैं और नए वीडियो को आपके समक्ष लाने के लिए। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर हमसे आपसे बात करते हैं। Namaste, I'm very happy to be here. It's my third time in India. It was stunning. It's such a beautiful area. To be honest, I believe this is really a place for the world to see. We had fun, we take a ride on the boat on the beautiful lake. तो कहने की बात सिर्फ शादी ये है कि देखिए अपने आप को शीशा में देख के कहें। एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है गाइस, इंडियन साइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से कैरलिना जो के मिस वर्ल्ड है। गाइस, मिस वर्ल्ड कैरलिना नाम की एक खातून है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर विजिट कर रही है। इस पर तो बहस बनती नहीं, लेकिन अफसोस के साथ कहूंगी कि बहस हो रही है। वहाँ पे बड़ी तादाद में इंडिया साइड में टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड इंडिया, मिस वर्ल्ड कैरिबियन, ये सब आए हैं श्रीनगर का। उन्होंने सर्वे किया, बहुत ज्यादा तारीफ की। बिजली के बिलों को लोग जलाने लगे, सड़कों के ऊपर अपनी सदाएं बुलंद करने लगे। कई लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान को न्यूक्लियर एसिड्स या एटम बम बेचकर पाकिस्तान में लोगों के लिए रोटी खरीद लेनी चाहिए। उनका जब प्यारा जम्मू और कश्मीर के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां पर लोगों का हजूम लग गया उनको वेलकम करने के लिए। हम अपने हमसाया मुल्क के बढ़ती हुई तरक्की को अप्रिशिएट करने के बजाय उनसे इतना जैलिस, इतनी खारबाजी क्यों है हमारे मन में। वक्त डॉलर रेट जो है, एक डॉलर पाकिस्तान में 318 रुपीज यानी 318 रुपए का हो चुका है। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। ये नफरत की बुनियाद पे कायम होने वाला मुल्क है, हिंदू से नफरत। एक वीडियो देखी थी मोदी की ना, लड़ाई करनी है हमसे तो तरक्की की लड़ाई करें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का एक दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंची। यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में किसी मिस वर्ल्ड विजेता और मौजूदा मिस वर्ल्ड ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का दौरा किया हो। यहां उन्होंने कश्मीर की संस्कृति, खान पीन और प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठाया। उन्हें डल झील के शिकारे की सैर करते हुए भी देखा गया। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का, मिस वर्ल्ड कैरिबियन एमी पेना और मिस वर्ल्ड इंडिया सिनी शेट्टी संग श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। मिस वर्ल्ड ने कहा कि भारतीय लोग अपने अतिथि को भगवान जानते हैं, हम जहां भी जाते हैं वह हमारा बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और भारत बहुत विविधता पूर्ण देश है, यह अच्छाई और दयालुता से भरा देश है, हमें यहां वास्तव में घर जैसा ही महसूस हुआ। अब कश्मीर में मिस वर्ल्ड को एंजॉय करता देख और डल झील और शिकारा की सैर करता देख पाकिस्तान सकते में है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने कश्मीर को स्वर्ग बना दिया। बात करने जा रहे हैं कश्मीर की, पाकिस्तान साइड कश्मीर हो या इंडिया साइड कश्मीर हो, हम बात करेंगे कि रिसेंटली मिस वर्ल्ड ने, मिस वर्ल्ड इंडिया ने, मिस वर्ल्ड कैरिबियन ने श्रीनगर का विजिट किया और वहां पे काफी ज्यादा उन्होंने तारीफ की। डेवलपमेंट के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर बात करें, वहां पे इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइड की जा रही है, तो पाकिस्तान साइड में ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है? वहां पे बड़ी तादाद में तकरीबन इसी साल के अंदर अंदर 225 करोड़ के करीब टूरिज्म आए, टूरिस्ट आए हैं इंडिया में, इंडिया साइड कश्मीर में। पाकिस्तान में कितने टूरिस्ट आए हैं, इन सब बातों पर हम ओपिनियन लेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, अगर इंडिया साइड कश्मीर की बात करें और पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें, वहां पे बड़ी तादाद में इंडिया साइड में टूरिस्ट आ रहे हैं, वहां पे मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड इंडिया, मिस वर्ल्ड कैरिबियन, ये सब आए हैं श्रीनगर का। उन्होंने सर्वे किया, बहुत ज्यादा तारीफ की है डेवलपमेंट के हवाले से। ठीक हो गया, विजिट उन्होंने किया, क्या कहेंगे पाकिस्तान वाले साइड कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है? ये जो चीज है ना, ये बड़ी एक गौर फिक्र चीज है। अगर हमारे पास, हमारे मुल्क के अंदर एक कश्मीर ऐसा खिता है जो इंतहाई खूबसूरत है, उस पे ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है। हम उस तरीके से करते नजर नहीं, लेकिन उस तरीके से हम करते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर 2013 के बाद देखा जाए तो उधर बहुत बड़े मंसूबे लगाए गए हैं, ठीक है,
कश्मीर के अंदर तो जो दी गई है, कौन सा ऐसा मंसूबा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगाया गया आपके ख्याल से जो पब्लिक के फायदे के लिए हो, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम बता सकें कि भाई हमने कश्मीर में ये डेवलपमेंट की है? कश्मीर में अगर देखा जाए तो ये केपी के, मैं तो वैसे ज्यादा विजिट केपी के अंदर ही रहा है, उधर गए हैं, ठीक है, मोटरवे बनी है बालाकोट से आगे तक, बहुत अच्छी सड़कें बनी है, उससे पहले का भी माहौल मैंने देखा हुआ है, लेकिन 2013 में जब मैं गया हूँ तो माशाल्लाह पता लगा कि इधर डेवलपमेंट हुई है। और लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, खास तौर पे जो आगे हिली एरियाज हैं, जो वादी नीलम है या इस तरीके से एरिया, वहाँ पे इंटरनेट सर्विस नहीं मौजूद, आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ पे खास तौर पे अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, पाकिस्तान के मेन सिटी या गुजरांवाला लाहौर, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम चल रहा है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, कैसी हैं? ये देखें, अगर तो लाहौर और गुजरांवाला का मुवाजना करें ना, तो लाहौर तो बहुत आगे है हमसे, ठीक है जी, उधर मेट्रो है, उधर बाकी बस सर्विस हैं बड़ी अच्छी हैं, जिनका बहुत आवाम को फायदा है, लेकिन अगर ऐसा ही फायदा जो है ना हमारे गुजरांवाला में दिया जाए, हमारे पहले इधर सिटी टूर चला करते थे, बड़ा मुनासिब किराया था उसका, तो उसको आवाम से आवाम को रिलीफ मिलता था, ठीक हो गया, तो लेकर अब वो हमें नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी ट्रांसपोर्ट अभी चलाई जा रही है गुजरांवाला में? नहीं, अभी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। यही बात मैं अगर कश्मीर की बात करूँ, वहाँ पे 200 इलेक्ट्रिक बसेस जो है इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ वाले कश्मीर को दी है, क्या समझते हैं वो लोग, तो सोचते होंगे कि भाई वाकई हम वहाँ पे हमें डेवलपमेंट मिल रही है। हम अपने हमसाया मुल्क के बढ़ती हुई तरक्की को अप्रिशिएट करने के बजाय उनसे इतना जैलिस, इतनी खारबाजी क्यों है हमारे मन में? देखें, ये अफसोस है कि ये नफरत की बुनियाद पे कायम होने वाला मुल्क है, हिंदू से नफरत, दूसरे से नफरत की बुनियाद पे कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। शुरू से ही जब आपने ये माइंड सेट रखा कि हम बिल्कुल ही अलग थलग किस्म के लोग हैं, हम किसी के साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम बड़े खास हैं, तो जब वो जो गैर खास हैं वो कोई आपसे बेहतर काम करते हैं तो फिर वो आपकी खासियत के दावे को खोखला कर रहे होते हैं ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होती बात। देखें, जो जो इंतकाम की आग में जलता है, मैं आपको बताऊं कि मैंने पाकिस्तान से आजादी की जो मूवमेंट शुरू की है, मैंने इसमें इंतकाम का आंसर शामिल नहीं किया, मैंने इसमें साइंटिफिक लॉजिक का आंसर शामिल किया, क्योंकि इंतकाम एक ऐसी चीज है कि उसमें इंसान खुद जल जाता है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। मैं आपसे इंतकाम की आग में जल रहा हूं तो आपको क्या नुकसान होगा उससे, उससे मेरे अपना ही जो अंदर का रूह है वो जख्मी होगी, वो सड़ेगी, वो जलेगी, मैं एक बदतमीज आदमी बन जाऊंगा, मैं हर बंदे से लड़ूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो इंतकाम की आग और वो नफरत जो है वो मेरे अंदर की पॉजिटिविटी को खत्म करके मेरे इर्द गिर्द एक ऐसा नेगेटिविटी का हाला बना देगी कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकूंगा समाज के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए जो पॉजिटिव हो। तो पाकिस्तान जो है, इंडिया जो भी करता है, पाकिस्तान वो चूंकि इंतकाम की आग में जल रहा है, जेलस है, वो बजाय ये कहने के कि वो इंडिया से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे भी 4 साइंटिस्ट जो है वो हम इंडिया भेजना चाहते हैं ताकि उनको भी आप ट्रेन करके भेजें, ये पॉजिटिविटी है ना। और पूरे मुल्क में आप कहें कि भाई बरसगीर में इतना बड़ा वाकया हुआ है, तो हर साल 23 अगस्त को हम जो है यौम खला मनाएंगे, यौम साइंस मनाएंगे, तो आप मना रहे हैं यौम तहफ़ुज तहरीक खत्म नबूवत, आप मना रहे हैं यौम अलख्वान, आप मना रहे हैं जमात इस्लामी के दिन, आप मना रहे हैं 5 फरवरी यौम कश्मीर, मतलब आपके यौम ही सारे खला में मुअल्लक हैं, तो आप जमीन पे तो उतरे ना पहले, आप तो किसी और ही दुनिया में पाकिस्तान रह रहे हैं ना, तो इसलिए ये एक बहुत अफसोस की बात है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और खास करके पाकिस्तान, यो आप तो अफसोस करते रहो क्योंकि देखो आप कर्ज में इतने डूब चुके हो कि अभी मेरे को तो लग रहा कि अभी आगे की हालत और भी आपके लिए खराब हो सकती है, क्योंकि अभी देखो कोई देश आपको मदद करने के लिए रेडी नहीं है। उसका रीजन यही है कि अब तक आपको जो भी पैसा दिया गया था उसको लास्ट में जब इमरान खान की सरकार थी ना, और मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ, उस समय की एक मैंने न्यूज देखी थी कि उस समय इमरान खान ने IMF से लोन लिया था, तब एक कंडीशन IMF ने रखी थी, वो कंडीशन ये थी कि ये जो पैसा है ना वो आपके आवाम के अच्छी या भलाई के लिए खर्च करना, भलाई यानी कि आपकी इकोनॉमी ग्रो हो सके ऐसी, मतलब वहां पे इंडस्ट्रीज लगाइए,
वहां पे इकोनॉमी अच्छी हो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चलाइए, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी में ये पैसे का यूज मत कीजिएगा। मतलब इमरान खान तो साइन करके चले आए, उसके बाद वही उसने किया जो वो हर बार करते आए थे। मतलब क्योंकि वहां से आए तो पता चला कि अब सरकार तो हाथ से जाने वाली है, तो अब सरकार हाथ से जाए उसके लिए आवाम का दिल जीतना भी जरूरी, तो उसने यही किया। मतलब आवाम को मतलब फ्री का और मुफ्त में सब कुछ बांट दिया, पैसा खत्म हो गया। अब हाँ, अब पाकिस्तान की जो भी बजट आता है ना, उस बजट के करीबन 35% बजट मिनिमम 35% वो उसकी फोर्स के लिए जाता है, और करीबन 40% बजट में से सिर्फ और सिर्फ IMF और जो उसने लोने ली है पाकिस्तान उसके EMI जाते हैं, उसमें भी कम पड़ रहा है। तो आवाम के लिए क्या बसेगा, थोड़ा बहुत बसेगा तो वो उसका जो भी वहां के प्रधानमंत्री है तो आका वहां के जो होंगे कोई टेररिस्ट का जो ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है उसको पैसा जाएगा। तो ये चीज पाकिस्तान में चल रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बात रही कश्मीर की, और कश्मीर में जी हाँ दोस्तों, हमारे जो मिस वर्ल्ड इंडियन मिस वर्ल्ड है और जो दूसरी जो मैम थी मिस वर्ल्ड, वो सब लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे पत्रकार के, मतलब जो बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बहुत कुछ भारत के बारे में किया कहा गया है। आप प्लीज जाके उस वीडियो को देखना, और अच्छी ही बातें हुई है, और उनको ऐसा लगा है कि मतलब ये उसका खुद का कंट्री है या खुद का घर है, ऐसा उसको एहसास हुआ है, ऐसा मिस वर्ल्ड ने कहा है। और मिस वर्ल्ड जो बनते हैं उसकी जो सहूलतें होती है ना, मेरे को तो देख के ही हर बार खुश हो जाते हैं, क्योंकि मिस वर्ल्ड मतलब एक क्वीन होती है, रानी होती है, उसको उसके लिए हर एक चीज के लिए मतलब लोग रखे जाते हैं, उसको कहीं पे भी जाना हो, कपड़े बैकअप करना सब कुछ, एक साल के लिए सब कुछ फ्री, उसको जैसे रहना हो, उसका मन की इच्छा जो वो सारी इच्छा है उसकी पूरी की जाती है। एक साल तक की मैं बात कर रहा हूँ, एक साल के बाद उसको कहीं ना कहीं अच्छा रोजगार मिल ही जाता है, मतलब लाइक बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, कहीं ना कहीं उसको एंट्री मिल ही जाती है। तो ये थी आज की वीडियो में बातें, और कश्मीर की बात तो ये करने जाए तो कश्मीर में अब श्रीनगर में भी इलेक्ट्रिक बसें जो टाटा की है वो दी गई है, और विथ एयर कंडीशन, विथ हैंडीकॉप लिफ्ट की फैसिलिटी, सीसीटीवी कैमरा भी उसमें लगाया गया, और बहुत ही अच्छी वाली बस दी गई है, और वो भी फिर इलेक्ट्रिक बस। तो सबसे अच्छी बात यही है कि कश्मीर में मतलब और भी रोजगार बढ़ेंगे, और कश्मीर में अब और भी करीबन 1.25 करोड़ के आसपास एक साल में वहां पे टूरिज्म हुआ है, टूरिज्म विजिट हुई है। इंडियन की बात अलग, सिर्फ और सिर्फ बाहर से आए लोग वो करीबन 1.25 करोड़ थे, तो वहां की इनकम आप खुद एज्यूम कर सकते हो, हमारे पास तो उसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो, पर पर्सन 10 रुपीज भी लगा लो तो भी बहुत है, उससे ज्यादा हुए होंगे, मैं पर पर्सन की बात कर रहा हूँ, 10 रुपीज, सिर्फ 10 रुपीज की बात कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से जो भी लगाना हो लगा लीजिए। तो वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या रही, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।